हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। ओके, कम टू द पॉइंट। इन टुडेज लेक्चर बेटा, वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज गिवेन। ओके, हाउ टू फाइंड वी विल कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंटेज गिवन। ओके, तो हियर इज सम बेसिक्स फॉर्मूला बेस्ड ऑन डेट। ओके बेटा, यू हैव टू ऑप्शंस, यूज द फॉर्मूलाज और वी कैन यूज द बेसिक मेथड। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द मेथड। ओके बेटा, आप लोग के लिए बेटर ये होगा कि आप लोग बेसिक मेथड पर ज़्यादा फोकस करें। ओके, बिकॉज बेटा फॉर्मूलाज क्या है, मे बी इफ यू विल फॉरगेट द फॉर्मूलाज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, देन व्हाट यू विल डू द एग्जामिनेशन। ओके, तो यू हैव टू फोकस द बेसिक मेथड। एक्चुअली ये जो फार्मूला है ना बेटा, ये भी किसी बेसिक मेथड से ही जनरेट किया गया है, ठीक है। तो जब परसेंटेज प्रॉफिट गिवन होता है, उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस परसेंट ऑफ प्रॉफिट इनटू सीपी अपॉन 100। अब इसी फॉर्मूले से सीपी निकला है, इसको आप 100 इधर शिफ्ट करेंगे तो एसपी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये इधर नीचे आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ से सीपी निकल गया। ओके, तो ये बेसिक्स फार्मूला है, ये जो एसपी और सीपी का फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, डेट इज़ द फार्मूला विच व्हेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन। नाउ फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड फॉर्मूला टू फाइंड सी पी एंड एस पी वन लॉस परसेंटेज गिवन। क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100, एंड सी पी इज इक्वल टू 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। आप देख सकते हो बेटा, अगर यहाँ पे एस पी की बात की जाए, बोथ फार्मूलाज आर लिटिल बिट सेम। हाउ, जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में सी पी, डिनोमिनेटर में 100, न्यूमरेटर में सी पी, डिनोमिनेटर में 100, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट, जब प्रॉफिट दिया होगा तो हम प्लस कर देंगे, या जब लॉस दिया तो हमने क्या किया, लॉस परसेंट को माइनस कर दिया। ओके, यहाँ पे अगर देखें दोनों में सी पी का फॉर्मूला देखें तो न्यूमरेटर में क्या है, सी पी एस पी इंटू 100, यहाँ पे भी एस पी इंटू 100 है। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन, यहाँ पे क्या है, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो फार्मूलाज में जा रहे डिफरेंस नहीं है, बट ये फार्मूला अगर आप क्वेश्चन इन फार्मूला के बेसिस पे सॉल्व करोगे, देन यू हैव टू लर्न द फार्मूला। बट हियर यू हैव अ चॉइस, बेसिक मेथड ऑफ फोकस करेंगे बेसिक मेथड्स पे, देन यू डोंट नीड द फार्मूलाज। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ओके, हियर इज योर क्लासमेट सिद्धि। सिद्धि बॉट अ टॉप, मार्केट गई। ओके, वी मार्ट से शॉपिंग करने गई सिद्धि, हुआ क्या, सिद्धि बॉट अ टॉप फॉर रुपीज 800 में उन्होंने क्या लिया, एक टॉप लिया, एंड सोल्ड इट टू अदिति। बेटा टॉप परचेज किया, यूज किया, देन सोल्ड इट टू अदिति। सिद्धि बॉट अ टॉप फॉर रुपीज 800 एंड सोल्ड इट टू अदिति, देयर बाय सफरिंग अ लॉस ऑफ 12%। हुआ क्या भाई, सिद्धि ने 800 में तो परचेस किया, देन आगे क्या हुआ, अदिति सोल्ड इट टू अदिति, क्या क्या अदिति को मैं सोल्ड किया, लेकिन हुआ क्या, सोल्ड करने पे देयर बाय आर सफरिंग अ लॉस ऑफ 12%। उसको क्या हुआ, 12% का लॉस हुआ, सिद्धि को क्या हुआ, 12% का लॉस हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉप, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉप। ओके, तो चलिए इसके लिए आपके पास दो मेथड है, यू हैव अ टू मेथड, ठीक है। तो अगर दो मेथड्स हैं आपके पास, तो मैं दोनों मेथड यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। सो फर्स्टली वी विल राइट ए गिवन डेट, सी पी इज इक्वल टू 800, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 12%। नाउ वी नो डैट फार्मूला, अगर हाँ ये आपका मेथड, ये मैं मेथड वन बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला, वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट व्हाट वी नो डैट फार्मूला, सी पी क्या क्या फाइंड करना, फाइंड द सेलिंग प्राइस, एस पी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सी पी
अपॉन 100। ओके, ये आपका बेसिक फार्मूला है। फार्मूला पे पुट द वैल्यूज 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 12 माइनस हो गया। ओके, इनटू सीपी जी 800 डिवाइडेड बाय 100 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 100। अभी देखिए 100 से 100 इज कैंसिल आउट। नाउ हियर वी कैन राइट 100 माइनस 12 इट विल बी 88 इनटू यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 8। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट रुपीज 704। तो ये आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, दैट इज योर आंसर। ठीक, ये तो था आपका मेथड ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला। नाउ सेकंड मेथड इज द बेसिक मेथड। सपोज दैट इफ यू फॉरगेट फार्मूला इन द एग्जामिनेशन देन हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो बेसिक मेथड पे चलते हैं। तो क्या आपका सीपी है 800, लॉस है 12%। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेटा, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था आई टोल्ड यू डैट वी विल फाइंड ऑलवेज फाइंड द लॉस और प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सीपी। हम सीपी के रिस्पेक्ट में हमेशा लॉस और प्रॉफिट निकालते हैं। तो भाई बेटा यहाँ पे 12% का लॉस हो रहा है, तो 12% का लॉस किस में हो रहा है, सीपी में ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लॉस इज इक्वल्स टू, तो लॉस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल्स टू 12% ऑफ सीपी। यही होगा ना बेटा, लॉस परसेंट कितना 12%। सो 12% ऑफ सीपी, सो 12% की प्लेस पे 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड सीपी इज योर 800। ओके, 100 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा हियर रुपीज 96। सो लॉस इज इक्वल्स टू रुपीज 96। अब बेटा 96 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन क्या हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉप। ओके, तो बेटा एक बात बताओ, सिद्धि ने परचेस कितने में किया 800 में, और जब 96 का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू एवरीवन नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, जब लॉस होता है देन सीपी माइनस लॉस, सीपी इज इक्वल्स टू 800 माइनस लॉस इज 96 एंड इट विल बी रुपीज 704। सेम आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने किया क्या बेटा, हेयर यहाँ पे हमने कोई भी फार्मूला यूज नहीं किया, बेसिक चीज़ें यूज की हैं। भाई सबको पता है भाई लॉस होता है, लॉस किसके रिस्पेक्ट में होता है, सीपी। तो लॉस इज इक्वल टू 12% ऑफ सीपी हमने सॉल्व किया, लॉस की वैल्यू आ गई। देन बेसिक चीज़ें, ये फार्मूला आपको पता है सबको, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, यू कॉन्ट फॉरगेट इट। एसपी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एसपी आपका सेलिंग प्राइस निकालना है, सिंपल सी बात है। 800 में खरीद रहे हैं, 96 को लॉस हो रहा है, तो कितने में बेचा, जाहिर सी बात है 800 में से 96 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको बता दें। आप कुछ लोगों के माइंड में मे बी डाउट हो कि सर वो फार्मूला आया कैसा, हाउ। तो बेटा वो जो फार्मूला है ना, बेसिकली वो जो फार्मूला है वो भी एक बेसिक कंसेप्ट से फाइंड आउट किया गया है। ओके, चलिए सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओके सर, परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये बेसिक चीज़ मैंने आपको सबको बताया हुआ है। ओके, अब जरा यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से सीपी को इधर शिफ्ट की, सीपी को शिफ्ट करेंगे देन वी विल गेट परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू 100। ओके, इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे देन वी विल गेट क्या निकलेगा, यहाँ पे 100 शिफ्ट कर देंगे देन वी विल गेट प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। मीन्स बेसिकली प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक, दैट इज योर इक्वेशन 1। हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अगेन
आपके पास एक और फॉर्मूला आपको पता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है, व्हेन द प्रॉफिट इज गिवन, व्हेन द प्रॉफिट इज गिवन देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ओके तो अब यहाँ से प्रॉफिट की जो वैल्यू है ये इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट की वैल्यू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। ओके चलिए अब यहाँ से सीपी बोथ प्लेस पे ही दोनों प्लेसेस पे सीपी है, सीपी को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे देन वी विल टेक द कॉमन देन हियर इज वन प्लस वन अपॉन सॉरी वन प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ओके अब यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे सीपी था, इट विल बी योर सीपी। कुछ याद आ रहा है बेटा, अभी मैंने ये फार्मूला आपको बताया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इज इनटू सीपी। ये कब आता है बेटा, ये कब आता है, जब आपका क्या दिया हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हो। अभी ये मैंने निकाला कहाँ से बेटा, ये जो बेसिक चीज़ें वहीं से तो निकाला है, तो या तो आप फार्मूला लर्न करो ओके, या फिर आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा इट इज़ टू मच इजी फॉर अस टू यू टू अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹135 अ शॉपकीपर लूज 10%, हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर ₹165। ओके तो एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, उसने क्या किया, बुक को पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। एक शॉपकीपर है, देर इज अ शॉपकीपर हु सोल्ड अ बुक, एक शॉपकीपर जिसने बुक को क्या किया, सोल्ड किया कितने में, ₹135 में सोल्ड किया बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹185। अ शॉपकीपर लूजेज 10%, शॉपकीपर को क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ। हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लॉस बाई सेलिंग इट फॉर ₹165। क्वेश्चन इज सिंपल बेटा, क्वेश्चन है ₹135 में जब उसने बुक को सेल्ड किया तो उसे 10% का लॉस हुआ, और अगर उसी बुक को वो 165 में बेचता, 165 में सोल्ड करता, देन उसका गेन होता और लॉस होता, गेन होता कि लॉस होता, और जो भी होता वो कितना होता, हाउ मच परसेंट वुड बी गेन और लॉस। वी हैव टू फाइंड लॉस और गेन परसेंट व्हेन द शॉपकीपर सोल्ड द बुक फॉर ₹165 एंड देर इज अ लॉस ऑफ 10% व्हेन शॉपकीपर सोल्ड द बुक फॉर ₹135। ओके मैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड्स करेंगे, मेथड वन आपका फार्मूला बेस। ओके फार्मूला बेस, चलिए पहले गिवन डेटा आपका क्या है, गिवन बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹105, सेलिंग प्राइस दिया है ₹135, लॉस परसेंट आपका हो जाएगा, गिवन है इज इक्वल्स टू 10%। ओके नाउ वी नो डेट, वी नो डेट क्या फार्मूला आपको पता है बेटा, अभी मैंने फार्मूला बताया, व्हेन सेलिंग प्राइस इज गिवन एंड परसेंटेज ऑफ लॉस इज गिवन देन सीपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, बेसिक चीज है, इट विल बी सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके डेट इज योर बेसिक फार्मूला, इस फार्मूले पे हम वैल्यू पुट कर दें, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 135 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस कितना है 10% का, इट विल बी 135 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 99 से कटेगा ये। ओके इसको चेक करते हैं, 9 1 9 4 4 करिए होगा 45, 9 5 45, यहाँ से आपका आ जाएगा 15 × 10 इज इक्वल्स टू ₹150। ये क्या है,
डेट इज़ योर सी पी, डेट इज़ योर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 150 रुपीज़। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़ है, अब मिल गया। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस 150 कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज़ 165। अगर उसी प्रोडक्ट को हम 165 में बेचते हैं तो क्या होगा, लॉस हो या प्रॉफिट। बेटा सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस उस बुक का कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 150 की बुक को अगर 165 में बेच रहे हैं तो भाई प्रॉफिट ही तो हो रहा है। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट की वैल्यू निकाल देंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, एस पी माइनस सी पी, 165 माइनस 150 देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15 रुपीज। सो यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। भाई क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ने में पूछा कि हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लॉस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस वी हैव टू फाइंड आउट। दिस इज नॉट योर आंसर। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ से, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रॉफिट है 15 रुपीज़ का, सी पी इज योर 150 रुपीज़ इंटू 100, 15 वन टाइम्स ये 10 बचेगा, पूरा कट जाएगा, 10 से ये 10 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10%। ओके, मीन्स 10% का प्रॉफिट हो रहा है उस पूरे डील में, किसको, शॉपकीपर को। अगर शॉपकीपर 135 की प्लेस पे 165 रुपीज़ में बुक को सोल्ड करेगा देन ही विल गेट दैट प्रॉफिट ऑफ 10%। ओके, चलिए बेसिक मेथड, चलिए बेसिक मेथड करके देखते हैं। तो बेसिक मेथड में हमने मान लिया, लेट सी पी इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज, हमने मान लिया सी पी कितना है, एक्स रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने हो रहा है, 10% का। तो लॉस कितना के किस में होता है, सीपी के रिस्पेक्ट में। सो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10% ऑफ सीपी। तो 10% के प्लेस पे 1/100 ऑफ एक्स, सीपी क्या एक्स माना हमने, एक्स हो गया, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन 10 रुपीज। ओके, तो लॉस की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अपॉन 10। अच्छा एक बार बताइए, योर सी पी इज एक्स एंड यू आर गेटिंग अ लॉस ऑफ एक्स अपॉन 10, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। जब लॉस गिवन होता है तो उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, वी नो डैट। बट आप देख रहे हो हमने कोई फार्मूला, कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला यूज नहीं किया, हम बस बेसिक मेथड फॉलो कर रहे हैं, दैट इज, दिस इज योर बेसिक मेथड। तो ये क्या, x अपॉन 10 इज योर लॉस एंड x इज योर सी पी। तो वी नो डैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस, यही होता है आपका। तो सी पी कितना आपका, x माइनस लॉस कितना है, x अपॉन 10। व्हेन वी विल सॉल्व इट, 10 इंटू एक्स, 10x माइनस एक्स, इट विल बी 9x अपॉन 10 रुपीज, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। मीन्स सेलिंग प्राइस आ गया आपका 9x अपॉन 10 रुपीज। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे, 9x अपॉन 10 रुपीज क्या है, सेलिंग प्राइस किसका, बुक का। व्हेन वी विल टेक द कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एक्स रुपीज, भाई हमने जब कॉस्ट प्राइस को एक्स माना तो सेलिंग प्राइस आ गया 9x अपॉन 10, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है, 135। भाई 135 में सोल्ड कर रहे हैं ना, और हमारे अकॉर्डिंग टू अस 10% के लॉस पे जब बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 9x अपॉन 10। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ विल बी द इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 135। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 10 ऊपर चला जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से कट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 9 1 9 15, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10 150। सो ये x था क्या, x हमने क्या माना था, सी पी। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 150 रुपीज़। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आया था, सी पी इज इक्वल्स टू
150 रुपीज़, ओके। देन यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़ है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बुक को कितने रुपए में सोल्ड करें, 165 में सोल्ड करें। तो चलिए आगे 165 में हम सोल्ड करते हैं। व्हेन बुक विल सोल्ड फॉर रुपीज 165, देन क्या हो जाएगा, देन क्या होगा, प्रॉफिट, देन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 165 माइनस कॉस्ट प्राइस 150, एंड यू विल सॉल्व इट, सो हियर यू विल गेट 15 रुपीज, ओके। सो 15 रुपीज का अगेन हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यहाँ पे भी हमें 15 रुपीज का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बेटा, सेम है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वी कैन फाइंड आउट। सो परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%, पुट द वैल्यू, प्रॉफिट कितना है 15 रुपीज, सीपी 150, 100% 10 से 10 गया, 15 से 15 गया, इट विल बी योर 10%, दैट इज योर आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट इज़ इनफ फॉर यू, एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क, बिकॉज इन प्रीवियस लेक्चर आई डिडेंट गिव यू एनी होमवर्क, ओके। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क, एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 आप करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 आई एम गिविंग यू सम ऑप्शंस। 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इन तीनों क्वेश्चंस में बेटा यू कैन डू एनी यू कैन डू ACE, ठीक, तीन तीन क्वेश्चन कर लीजिए, इट इज़ सफिशियंट फॉर यू, ओके। ACE क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से ACE, एंड देन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 to 15 ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डू, ओके। इन सम ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, कुछ हार्ड क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा, और आप जो डाउट्स पूछेंगे उसको भी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, एंड देन वी विल गो फॉर डिस्काउंट, हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।